2023 में आप अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में आपको एक नया YouTube चैनल बनाना सिखाऊंगा और साथ में ऐसी 10 इंपोर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूं YouTube की, जिससे कि आपका जो YouTube चैनल पे लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट्स वीडियो हो वो बहुत ही जल्दी ग्रो करेगी। आप मेरी वीडियो को कम्प्लीट देखना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल से भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रोम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक जीमेल उठा लेता हूँ। मान लो कि ये जीमेल उठा लिया मैंने। इस जीमेल पे मैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँगा और साइड में आपको आइकन दिख रहे हैं ये, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लूँगा। इतना करते ही यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट ए चैनल। इतने से काम नहीं चलेगा, उसमें और भी बहुत सारी सेटिंग करनी है। यहाँ पे अपना यूनिक सा नाम डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक चैनल का नाम डाल दिया है, तन्नो बिश्नोई ब्लॉग्स। ये एक छोटे बच्चे का चैनल है। मैं इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे अपनी अपलोड पिक्चर्स भी कर सकते हो अपने चैनल पे, वो हम बाद में करेंगे। ये हमारा चैनल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोबारा इस आइकन पे और यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। इतना करते ही वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं चैनल के ऑप्शन पे क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करूँगा, मेरी कौन सी कंट्री है। इंडिया है, मान लो इंडिया मैंने कर लिया है। और यहाँ पे ऐड कीवर्ड्स, जिसके द्वारा आप अपने चैनल को सर्च में लाना चाहते हो। ये कुछ वर्ड्स मैंने डाल दिए यहाँ पे और अब मैं यहाँ पे करता हूँ एडवांस सेटिंग पे। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद फीचर्स, ये तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर्स दैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपना थंबनेल और 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो और लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे मुझे अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करना है तो मैं अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करूँगा। यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट की हुआ है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के डाल देता हूँ एक बार। और उसके बाद में गेट कोड, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे 6 अंकों का OTP मिलेगा जो मैं यहाँ पे डालूँगा और उसके बाद में सबमिट कर दूँगा। ये यहाँ पे मैंने डाल दिया है OTP, अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो फ़ोन नंबर है सबमिट हो चुका है। अब मैं वापस अपने डेस्कटॉप अब जो है अपलोड डिफॉल्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको बताया गया कि आप अपने डिस्क्रिप्शन में टाइटल में क्या डालेंगे और यहाँ पे अपनी वीडियो को पब्लिक करना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अनलिस्टेड कर देता हूँ। यहाँ पे कौन से टैग आप सर्च करना चाहते हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार। टैग में मैंने कुछ टैग्स डाल दिए हैं और यहाँ पे मैं एडवांस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखना है, जो आपका बंदा आपकी जो वीडियो, मतलब मेरे चैनल की जो वीडियो है वो कॉपी करके या डाउनलोड करके अपने चैनल पे डालेगा तो मुझे कॉपीराइट जो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे उनका पता और जो चैनल का नाम है वो सब कुछ आ जाएगा, जिससे कि आप उसे कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो। यहाँ पे आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कौन सी है।
यहाँ पे मैं ब्लॉग की चैनल है तो मैं यहाँ पे ब्लॉग कर देता हूँ। और यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज कौन सी है तो यहाँ पे मैं अपनी मातृभाषा हिंदी कर देता हूँ। हिंदी यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश इंडिया। इतना करते ही मैं यहाँ पे परमिशन नहीं, यहाँ पे जो कम्युनिटी है यहाँ पे आप अपने यूजर मतलब आपको कोई भी तंग करता है यूट्यूब पे तो यहाँ पे उनका उनको जो ब्लॉक कर सकते हो जिसकी वजह से आपको दोबारा तंग नहीं करेगा। डिफॉल्ट पे आपके जो मैसेज है आपको लाइव है या कुछ भी आप डिसेबल है, कॉमेंट है, होल्ड है, ऑल कॉमेंट है, इसमें आप बहुत सारे कर सकते हो। उसके बाद है एग्री, एग्री पे कुछ नहीं है तो अब मैं इस सेटिंग को सेव कर देता हूँ। तो ये सारी सारी जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। अब जो है मैं मोनेटाइजेशन सेक्शन पे आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे है आप देख सकते हो अर्न। कुछ दिनों में मेरी एक वीडियो आएगी इस चैनल के रिलेटेड कि मेरा चैनल कैसा चल रहा है, आपको उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो बेकम ए पार्टनर। अभी आप जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन से दूर हो अभी भी, मतलब मैंने चैनल ही क्रिएट किया है तो ये कह रहा है कि अभी मैं बहुत दूर हूँ। यहाँ पे आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर जरूरी है, ये देख लीजिए, एंड वन ऑफ द फ्लोइंग, या तो आप 365 दिन में आपको पास 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास पिछले 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए जिसकी वजह आपका जो मोनेटाइजेशन है चैनल वो होगा। और यहाँ पे आपकी सेकंड वेरिफिकेशन ऑन होनी चाहिए। यहाँ पे फ्लो कम्युनिटी गाइडलाइंस, अभी कोई भी कम्युनिटी एक्टिव स्ट्राइक नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है पास चैनल रिव्यू। मैं इस चैनल को अपने यूट्यूब कंपनी के पास रिव्यू के लिए भेजूँगा, वो आप मेरा चैनल चेक करेंगे कि मेरे चैनल पे कोई भी कम्युनिटी टैब नहीं है या फिर मैंने कोई भी यूट्यूब पॉलिसी की तोड़ी नहीं है। मतलब मैंने जो यूट्यूब चैनल के जो पॉलिसी है उनको सभी को फॉलो किया है तो वो मेरे चैनल को मोनेटाइजेशन कर देंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा देना जिससे कि मैं आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक यू।